देखो कितना शाइन कर रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो आप लोगों को जैसे कि पता है कि मुझे घर में साफ सफाई रखना बहुत पसंद है, लेकिन इस साफ सफाई को करने के चक्कर में बहुत सारा टाइम और बहुत सारी मेहनत मेरी चली जाती है और लास्ट में मैं थक जाती हूँ। आप लोग पूछते हो कि आप ऐसी कौन सी एनर्जी ड्रिंक पीते हो जो इतनी एनर्जी रहती है। नहीं, मैं भी थकती हूँ औरों की तरह, लेकिन मैंने सोचा है मैं अपना काम थोड़ा आसान कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो भाई बहुत पसंद है साफ सफाई। अगर आपको भी पसंद है तो जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये आपको मेरी तरह बहुत पसंद आने वाला है। तो ये है अगारो रॉयल इलेक्ट्रिक स्पिन स्क्रबर। तो जल्दी से इसके साथ साथ हमें क्या क्या अटैचमेंट मिलते हैं और ये किस तरीके से आता है वो मैं सब आपको दिखाती हूँ, दो मिनट दीजिए। तो ये है इसकी मेन यूनिट और यहाँ पर सारे के सारे अटैचमेंट इससे अटैच होते हैं। ये है इसका पावर बटन और इससे आप दो स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ये है इसका बैटरी इंडिकेटर जिससे आपको पता चलेगा ये कितना चार्ज है, और ये है इसका चार्जिंग पॉइंट, यहाँ से आप इसे चार्ज कर सकते हैं इस केबल के थ्रू। तो इसके ये सारे अटैचमेंट हैं जो इसके साथ आपको मिलते हैं। सबसे पहले मैं इसे दिखाती हूँ। ये है लार्ज ब्रिसल ब्रश, ये है स्मॉल ब्रिसल ब्रश, ये है पॉइंटेड ब्रिसल ब्रश, जो कि इस यूनिट में यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। डायरेक्ट आपको इस तरीके से इसमें लगा देना है, हल्का सा पुश करेंगे ये लग गया, इसी तरीके से बाकी भी लग जाते हैं। ये है इसका वेलक्रो हेड जिसे आप मेन यूनिट में लगा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर लगा लिया, बाकी जितने भी अटैचमेंट हैं वो इसी के साथ चिपक जाते हैं। सबसे पहला वाला जो है वो है फाइबर स्क्रबर और इसे इस तरीके से यहाँ पर हम अटैच कर लेंगे। तो इससे आप स्टील का सिंक है या फिर प्लेटफॉर्म है या फिर गैस स्टोव है वो साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका स्पॉन्ज ब्रश जिसे आपको फिर से इसी तरीके से अटैच कर लेना है। इससे आप ग्लास वगैरह क्लीन कर सकते हो, जैसे कि बाथरूम में मिरर है उन्हें क्लीन करने में ये हेल्प करता है, साथ में कार के जो ग्लासेस होते हैं उन्हें, या फिर आपके किचन में ग्लास डोर वगैरह है आप उसे भी इससे साफ आराम से कर सकते हो। और ये है इसका वूल ब्रश, इसको इस तरीके से चिपका लेना है और ये किसी भी सरफेस को चमकाने में हेल्प करता है, पॉलिश करने में हेल्प करता है। जैसे आपकी वुडन टेबल वगैरह है तो आप उस पर इसे पॉलिश करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अटैचमेंट है वो है क्लॉथ ब्रश, इसको भी इसी तरीके से लगा लेना है और ये ना किसी भी सरफेस को ड्राई करने में हेल्प करता है, बिल्कुल मॉप की तरीके से। सारे ही अटैचमेंट्स को लगाना और निकालना बहुत ही इजी है और इसमें आपको दो स्पीड ऑप्शन मिल जाएंगे। तो पहला है 300 RPM और दूसरा है 400 RPM। और ये है इसकी एक्सटेंशन ट्यूब जो कि आप इसके मेन यूनिट के साथ अटैच कर सकते हैं और ये आपको हेल्प करेगी हार्ड टू रीच एरिया में आराम से पहुंचने के लिए। और जैसे कि खड़े होकर आपको साफ सफाई करनी है, नीचे झुकना नहीं है, तो उसमें भी ये एक्सटेंशन ट्यूब काफी हेल्प करती है। इसमें क्या करना है ना, आपको मेन यूनिट में इसको इस तरीके से अटैच कर लेना है और ये ना एडजस्टेबल है, जितना भी चाहो बड़ा कर सकते हो। ये देखिए मैं खड़ी हुई हूँ और अगर आपको नीचे फर्श साफ करना है तो इसका ये वाला अटैचमेंट मुझे बाथरूम की जो टाइल्स वगैरह होती है ना उसे क्लीन करने के लिए भी काफी अच्छा लगा। इसमें 2500 mAh की बैटरी है, इसे 3 से 4 घंटे आपको चार्ज कर लेना है और एक बार फुल बैटरी चार्ज होने के बाद ये 90 मिनट तक चल जाता है। ये है इसका चार्जिंग पॉइंट और इस तरीके से आपको इसे लगा लेना है तो ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी के साथ आपको मिलता है स्टिक ऑन हैंगर, तो ये है इसका स्टिकर जिसे आपको पीछे चिपका लेना है और वॉल से ये चिपक जाएगा। तो जब आप स्क्रबर यूज नहीं कर रहे हो तो बस आपको इसमें इस तरीके से फिक्स कर देना है, ये वॉल पे आराम से अटैच हो जाता है। और ये है इसका यूजर मैनुअल जिसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप इसे पढ़कर सारी चीजें यूज कर सकते हो और ये इसके साथ वारंटी कार्ड मिला है। ये है मेरे किचन का प्लेटफॉर्म और ये बहुत जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है, इसमें ना हल्दी के स्टेन पड़ जाते हैं, तो वो मैं कैसे हटाऊंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी बिना मेहनत करे। सारा काम मेरे इस इलेक्ट्रिक स्क्रबर ने करना है और काम बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए। चलो करते हैं साफ। अब मैंने ना अटैचमेंट चेंज कर लिया है, ये पॉइंटेड ब्रिसल ब्रश है, इसको मैं कॉर्नर में यूज करूंगी। तो इसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया था पानी से,
इसके बाद मैं क्लॉथ ब्रश यूज कर रही हूँ, मैंने वेलक्रो पे लगा दिया है। इससे क्या होगा ना, जितना भी ये गीलापन रह गया है वो सूख जाएगा। ये एज अ मॉप काम करता है। ये देखो कितना शाइन कर रहा है, और ये देखिए पूरा ड्राई हो गया। तो कंपैरिजन के तौर पर मैं आपको दिखाऊंगी इधर वाली साइड जो कितनी चमक रही है। मैंने इस साइड को क्लीन नहीं किया है, तो यहाँ पे येलोइश देख पा रहे हैं ना, और स्पॉट्स भी हैं यहाँ पे जो कि व्हाइट होने की वजह से हो सकता है इतने चमक ना पा रहे हो, लेकिन मेरी आंखों से मैं आप देखूं तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर येलो कलर के स्पॉट्स हैं, जबकि यहाँ पर आप देखोगे तो क्रिस्टल क्लियर हो चुका है सब कुछ। तो ये टैब पर आप देख सकते हैं व्हाइट स्पॉट, तो इसे क्लीन करेंगे, इसे करेंगे पॉइंटेड ब्रश की हेल्प से। यहाँ पर मैंने इसका फाइबर स्क्रबर ब्रश अटैच कर लिया है, और अब मैं इससे करने वाली हूँ सिंक क्लीन, क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है तो बहुत अच्छे से साफ हो जाएगी इसके थ्रू। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे व्हाइट स्टेन्स हैं जो कि हम इससे हटाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि सिंक कितने अच्छे से साफ हुआ है, जितने भी व्हाइट स्पॉट्स थे वो सब के सब चले गए, बिल्कुल चमक गया है। ये सारे ही अटैचमेंट इजीली वॉशेबल हैं, आप इन सबको वॉश कर सकते हो, लेकिन जो इसकी मेन यूनिट है उस पर पानी मत डालिएगा। आपने नोटिस किया होगा जो मिरर होते हैं इस टाइप के, उन पे ना छोटे छोटे व्हाइट कलर के स्पॉट्स रह जाते हैं पानी के, गंदगी के, तो ये स्पॉट्स साफ करने के लिए हेल्प करेगा। ये वाला स्पंज स्क्रबर, ये सॉफ्ट है तो इससे शीशे वगैरह बहुत अच्छे से साफ होंगे, जैसे ये वाला डोर का शीशा है या विंडो का। और आप देख सकते हो कितने चमक गए हैं, ये देखिए। पहले मुझे इस पर व्हाइट स्पॉट नजर आ रहे थे, अब एक भी नजर नहीं आ रहा, बहुत चमक गया है सच में। कुछ भी कहो, मुझे बहुत मजा आ रहा है किचन साफ करने में, और आज मैं किचन साफ करने की सोच भी रही थी। आपको याद होगा परसों मैंने पूरा लिविंग रूम साफ किया था, आज मेरी लिस्ट में किचन था और इसने बहुत हेल्प कर दी मुझे। ये भी साफ करने वाली हूँ टाइल्स, टाइल्स पे भी ना घी तेल के निशान होते हैं। तो ये इसका क्लॉथ ब्रश लगाने के बाद इसे मैं सबको पोंछ लूंगी। तो आप देख सकते हैं ये जो कॉर्नर मैंने साफ किया है कितने अच्छे से चमक रहा है, और ये यहाँ पर देखिए कितना काला हो रहा है, बल्कि यहीं पे देख लीजिए इसमें और इसमें आपको डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा। तो टेबल है, चेयर है, उसके लिए आप यूज कर सकते हो ये पॉलिश ब्रश, और इससे ना आप पॉलिशिंग कर सकते हो किसी भी चीज की। जैसे मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल डाला है, तो वुडन की जो चीजें होती हैं उन्हें शाइन कराना है तो ऑलिव ऑयल बहुत अच्छे से हेल्प करता है। तो ये देख सकते हो अब कितना चमक गया है, कर रहा है ना शाइन। तो अब मैंने इसे चार्जिंग पे लगा दिया है, और जिस काम को करने में, किचन को पूरा क्लीन करने में कम से कम 2 से 3 घंटे चले जाते हैं, लेकिन इससे मेरा काम इतना आसान हो गया। एक तो मैं थकी नहीं, और इतनी जल्दी जल्दी साफ हो गया, चमक गया मेरा पूरा किचन, बहुत अच्छा लगा है सच्ची में। तो अगारो इलेक्ट्रिक स्पिन स्क्रबर का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको भी ये प्रोडक्ट मेरी तरह पसंद आया है, आपको भी साफ सफाई रखना पसंद है, तो इस प्रोडक्ट को जरूर परचेज करिए, अपने काम को आसान बनाइए। बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।